सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम मॉडल ड्राइंग में बुक बनानी सीखेंगे कि चार नंबर बच्चा जो बिल्कुल सामने बैठता है उसको बुक कैसे दिखती है। बुक का फ्रंट जो है वो हम अपने साइड रखेंगे और बैक बुक की वो दूसरी साइड रखेंगे। तो हम बनाना इसको शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक लाइन हमने लगानी होती है, इस तरह से एक बेस लाइन हमने लगानी है, आधार लाइन जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो लगाना है और ऐसे पेपर को लगा करके शीट के अपने ड्राइंग बोर्ड या आपके पास जो भी फाइल है उसके साथ लगा करके आपने इस तरह से जो है हमने वो पेंसिल पकड़नी है और इस तरह से हमने इसको आगे को या पीछे को, यहाँ से परे को भी आप ले जा सकते हैं जैसे भी आपको उचित लगता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम जो है वो इधर को भी ले जा सकते हैं ऐसे, और यहाँ से हम जो है वो इधर को भी ला सकते हैं। इस तरह से ये हमारी जो है वो आधार लाइन इस तरह से आ जाती है, बिल्कुल सीधी आपकी जो है वो आधार लाइन आ जाएगी इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने आधार लाइन लगानी है। अब हमने बुक बनानी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमने इसी तरह से थोड़ा सा हम इसका कागज बांट सी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने सीधी लाइन ऐसे लगानी है ऊपर को, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और इतनी ही पेंसिल पकड़ के इतनी ही दूरी रख करके हमने जो है वो यहाँ से इधर को भी लाइन लगानी है। ये आप देखिए बिल्कुल हमारी लाइनें बिल्कुल सीधी लग चुकी। इस तरह से अब हमने क्या करना है, जो ये हमारी रेखा इसी के समानांतर हमने समान दूरी पे, तो हम यहाँ पे इसमें निशान लगा देते हैं इस तरह से कि हमने कितनी मोटी बुक रखनी है। जैसे हम इतनी मोटी बुक रखना चाहते हैं तो यहाँ हम निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है इस तरह से, जैसे ये हमने लगा दी है लाइन यहाँ पे, ये हम लगा देते हैं। बुक की मोटाई हम ये रखेंगे और यहाँ से ये हम रखेंगे इसका पिछला हिस्सा इस तरह से। बुक जब भी हमने बनानी है तो चार नंबर पे हम बना रहे हैं तो ये तीन लाइनें हमने लगानी है। जैसे ये आपकी बेसिक लाइन है, ये आपकी बुक की मोटाई है और ये बुक की चौड़ाई पूरी जो है लाइन आ जाती है। यहाँ से हमने क्या करना है, बराबर स्पेस पे हमने जैसे यहाँ इतना हमने यहाँ इतना हम छोड़ देते हैं तो यहाँ हमने निशान लगा देना है और यहाँ पे भी हमने इसी तरह से ऐसे निशान लगा देना है। ये हमने निशान लगा दी, अब हमने क्या करना है, इन निशानों को जो है वो मिला देना है इस तरह से और यहाँ पे भी। आप देख सकते हैं और हमने ये हमारी लाइन है, इसको भी हम ऐसे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें कर्व देना है इस तरह से यहाँ पे भी हमने कर्व देना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, तो ये लगेगा कि ये आपकी बुक बनी हुई है इस तरह से हल्का सा। और ये जो आपका गत्ता है इसमें हमने यहाँ पे थोड़ी डबल लाइन लगा देनी है इस तरह से, मतलब ये लाइन जो हमारी है वो हमने थोड़ी मोटी कर देनी है ताकि ये हमें लगे कि इसमें गत्ता जो है वो है लगा हुआ। इस तरह से यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा इस लाइन को मोटा कर देंगे
इस तरह से आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसमें सीधी लाइनें लगा सकते हैं हम इस तरह से, और ये हम शो कर सकते हैं कि इसके अंदर पेज बने हुए हैं। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सीधी लाइनें लगाने की, और इस तरह से इसमें आपको अच्छी डायरेक्शन भी आएगी। इसमें पेज शो किए हुए है, इस तरह शो कर सकते हैं। और यदि आप चाहो तो इसमें बाइंडिंग भी शो कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से इसमें बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग होती है ताकि बुक मजबूत रहे। और यहाँ पे भी इसमें आप ऐसे लाइन लगा सकते हैं यहाँ से बाइंडिंग के लिए, उस पर आपने डार्क शेड करनी है जो बाइंडिंग आप शो करेंगे यहाँ पे, इस तरह से। अभी हम सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना सीख रहे हैं, डबल नहीं बना रहे, नहीं तो हम चाहे तो हम बुक के ऊपर डबल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे बुक के ऊपर हम कप रख सकते हैं, चौका डब्बा रख सकते हैं, या हम इसके ऊपर कुछ भी डबल बना सकते हैं, तो हम अभी वो नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट की अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से करनी है, और अब इस तरह से ही आपका स्केच जो हमारा है वो बन के तैयार हो गया है मॉडल ड्राइंग के लिए बुक का। अब हमने करनी है इसमें शेडिंग। तो शेडिंग करने के लिए मैंने आपको बताया ये कि हमने इस तरह से कागज़ इस पर रखना है, और ऊपर हम इसमें बिल्कुल हल्की शेड करेंगे, ये हमने नीचे अखबार इसमें ज़रूर रखना है ताकि हमारी जो शेडिंग है वो ख़राब ना हो। इस तरह से आपने बुक में शेडिंग करके इसको फाइनल करना है। इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि आपकी बुक जो है वो इस तरह से बने। इससे अच्छी भी बन सकती है, ये नहीं कि इतनी ऐसी ही बने, इससे अच्छी भी बन सकती है, पर अभी आपने हल्के तरीके पे जो है वो इस तरह से आप शुरुआती तरीके पे आप इस तरह से आप इसको बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।